इट्स रजनी इनोवेटिव एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे जहां इनोवेशन की भरमार। तो भरमार को लेके आ गई हूं। तो मेरे लिए फैशन वो नहीं है कि आप रोज नए कपड़े पहनो, रोज नए नए कपड़े लो और रोज नए नए कपड़े पहनो। फैशन का मतलब है, इनोवेशन का मतलब है कि जो आपके पास अवेलेबल है आप उसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कितनी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। तो फैशन और इनोवेशन का मतलब ये है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप सिंपल से एक पैंट को, पैंट सबके पास रहती है, और एक शर्ट को तीन तरीके से स्टाइल कर सकते हो, वो भी इन अ वेरी सिंपल वे। तो चलो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। तो चलो दिखाती हूँ मैं सबसे पहले कि मेरी पैंट है ये लाइलैक कलर की पैंट है जो कि मैंने मीशो से ली थी, बहुत ही अच्छी पैंट है। और ये है मेरी एक बहुत ही कलरफुल वाइब्रेंट कलर वाली शर्ट जो कि मैंने किसी लोकल शॉप से ही ली है। तो इन दोनों को हमें पेयर करना है और कैसे हम कर सकते हैं चलो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपनी शर्ट और पैंट पहन ली है, बट ये फुल स्लीव शर्ट ना जब हम इस तरीके से जब मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी और अपने स्किन को थोड़ा शो होने दूंगी तो आप देखोगे डिफरेंट लुक आएगा। इन द सेम वे थोड़ा सा लूज है, मतलब अच्छा सा फ्लो है इसका, बट जैसे ही मैं पीछे से थोड़ा सा टकिंग कर लेती हूँ आप देखो इसमें ना थोड़ा सा बॉडी का कर्व शो होने लगता है। और मैं बना रही हूँ चोटी, चोटी मतलब एक हाई पोनी। और जैसे ही आप थोड़ा सा अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज कर लेते हो आपका लुक ना पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और मैं यहाँ पे अपने हाथों से ही अपनी चोटी बना ले रही हूँ, कोम मैंने यूज़ नहीं किया, मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप देखो थोड़ी सी चीज़ सिर्फ आपकी स्लीव्स को अप करने से, थोड़ा सा टक इन करने से और चोटी बनाने से एक बिल्कुल डिफरेंट लुक निकल के आ जाता है। और इस तरीके से आप किसी भी शर्ट को स्टाइल कर सकते हो। तो मेरे सेकेंड लुक के लिए ना मैं अपने हेयर स्टाइल को हाई बन बना रही हूँ, मतलब एक छोटे से पोर्शन को ले रही हूँ और इस तरीके से ना बैंड से थोड़ा सा बस एक छोटा सा बो जैसा बना लूँगी। और ये एक बहुत ही अच्छा फन वाला लुक है। और सारे बालों को इस तरीके से नीचे वाले को ओपन रखूँगी और अपने शर्ट के लास्ट टू बटन्स को मैंने ओपन रखा है। और इसको मैं क्रिस क्रॉस करके दोनों साइड में, अगर आप चाहो तो पिन भी डाल सकते हो, मैंने सिर्फ अभी स्टाइलिंग किया है तो मैंने नहीं डाला है, बट आप पिन ज़रूर डाल लेना ताकि ये सिक्योर हो जाए। और इस तरीके से भी ना बहुत अच्छी लगती है शर्ट, एक डिफरेंट लुक देती है और स्लिम भी दिखाती है आपको। और आप इस तरीके से एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही शर्ट से आप डिफरेंट डिफरेंट लुक ले सकते हैं। तो मेरे थर्ड लुक के लिए मैंने अपने बालों को बिल्कुल ही ओपन कर लिया है इस तरीके से। और मैंने पहना है अपना एक क्रॉप ब्लाउज़ जो कि है ब्लैक कलर का, और ब्लैक और पिंक, पिंकिश मतलब पर्पल बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं इसमें। इस तरीके से आप किसी भी अपनी शर्ट को ना स्टाइल कर सकते हो, ओपन रख सकते हो और ये बहुत ही क्लासी वाला लुक आया है।